तो आज हम पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। ये मैंने पहले पढ़ा दिया है लेकिन आज इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है। और प्लस ही मैंने इसका एक नोट आप लोगों के लिए बना लिया है, ठीक है। इस नोट को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस वीडियो में मैं ये सारा पार्ट पार्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा, बोर्ड पे ज़्यादा लिखूंगा नहीं, हम ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए उपचयन एवं अपचयन पढ़ते हैं। तो उससे पहले मेरा नाम है प्रिंस और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल मैडजी फिजिक्स पे। तो चलिए, मैं फिजिक्स तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस मैंने अपने चैनल का नाम रखा है मैडजी फिजिक्स, ठीक है। क्योंकि मैं फिजिक्स ऑनर्स के साथ बीएससी कर रहा हूँ तो मुझे फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने अपने चैनल का नाम भी फिजिक्स से रिलेटेड रख दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपचयन एवं अपचयन, ठीक है। ये जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, प्रकार। क्या है? प्रकार। अरे मेरे आवाज को क्या हो गया? ये एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, प्रकार। हाँ अभी आवाज ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार आता है, ठीक है। उपचयन एवं अपचयन ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, एक प्रकार है। क्या है? प्रकार। अभी आवाज ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि उपचयन क्या होता है, उसके बाद हम अपचयन जानेंगे और साथ ही साथ इनका हम एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि उपचयन क्या होता है, ठीक है। उपचयन, ठीक है, उपचयन इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। ये उपचयन सबसे पहले क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। उपचयन क्या है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपचयन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपचयन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, क्वेश्चन आता है, उपचयन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों के साथ, मतलब अभिकारकों में ऑक्सीजन या तो जुड़ जाएगा और या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और या तो हाइड्रोजन जुड़ा होगा तो वो उससे हट जाएगा, उससे छूट जाएगा, ठीक है, उसमें से वह हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि अब हम किताबी भाषा में बोले तो या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब कि हाइड्रोजन घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे परिभाषा हम लोग नहीं देखेंगे, परिभाषा मैंने आपको नोट में लिख दिया है, परिभाषा आप देखिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ के साथ या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और या तो हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो जो रासायनिक अभिक्रिया है उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है वह अभिक्रिया उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, जिसे कि हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो इंग्लिश का हमारा क्या वर्ड है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब यहां पे देखो ऑक्सीडेशन से देखो ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और यहां पे आपको एडिशन जैसा दिख रहा होगा, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन। तो ये जो अभिक्रिया है इसमें पदार्थों के साथ या तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और नहीं तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है। मैं नॉर्मली लिख सकता हूं, यहाँ पे आप लोग टेबल बना सकते हैं, जैसे ये उपचयन है, ठीक है, और इस साइड आप लोग अपचयन लिख सकते हैं, ठीक है, अपचयन, ठीक है, अपचयन। उपचयन में क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की वृद्धि, हाँ, वही अपचयन जो रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है ना, ये टेबल मैं सोच रहा हूं बाद में बनाएंगे, पहले हम उपचयन को एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद अपचयन को समझेंगे तब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उपचयन, उपचयन में सबसे पहला बात कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, मतलब कि किसी पदार्थ के साथ इस रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेगा पदार्थ उसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और या तो हाइड्रोजन का ह्रास होगा, मतलब कि हाइड्रोजन पहले से जुड़ा रहेगा लेकिन वो अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन का ह्रास। यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारकों में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, जब उत्पाद अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होगा तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और नहीं तो ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो हट जाएगा वहां, सॉरी मिस्टेक हो गया, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में
पदार्थों के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, तो वो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। और साथ ही साथ अगर उस रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुड़ा रहता है और वो उससे हट जाएगा, ठीक है, वह उससे उसका ह्रास होगा, तो वह भी उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, आप लोगों को क्रियाकलाप में दिया है कि मैग्नीशियम रिबन का दहन हम लोग दहन करते हैं वायु में, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का दहन हम लोग करते हैं वायु में, वायु में क्या होता है हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, आप लोगों को मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो यहां पे क्या हो रहा है, देखिए मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम को वायु में दहन किए मतलब कि जलाए, ठीक है, तब वह उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यहां पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यह कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, यह उपचयन रासायनिक अभिक्रिया है। हाँ, यहां पे जुड़ रहा है, ठीक है, तो जिस पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद और एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, जब कॉपर को हम लोग गर्म करते हैं, ठीक है, तब हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, ये भी एक सेम उसी प्रकार का रिएक्शन है, ठीक है, कॉपर को जब हम गर्म करते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। तो यहां पे कॉपर पहले अकेला था, लेकिन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने के बाद वह कॉपर ऑक्साइड बन गया, तो यहां पे ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, तो ऐसे जहां ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है वह उपचयन कहलाता है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो वो अपचयन कहलाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग उपचयन समझ गए होंगे। उपचयन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ठीक है, या तो ऑक्सीजन की वृद्धि होगी या हाइड्रोजन का ह्रास होगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग उपचयन। इसके बाद ये एग्जाम्पल हम लोग देख लिए, अब देखते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया। बड़ा गर्मी हो रहा है, मैं वीडियो बनाऊं तो गर्मी सह रहा हूं, तुम लोग आराम से फैन के नीचे वीडियो देखो और समझो, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अपचयन अपचयन अभिक्रिया अपचयन। तो इसको मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन में हम लोगों ने उपचयन पढ़ लिया, अब अपचयन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या है, सेम उपचयन का उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, उल्टा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, उसमें हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन घटता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ह्रास होता है, ह्रास होना माने घटता है, ठीक है। उसके बाद सेम क्या था, उसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा था, तो यहां पे सॉरी उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और वहां पे हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा था, पर इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, ठीक है, हाइड्रोजन की वृद्धि, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ठीक है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ठीक है। अपचयन रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ के साथ या तो ऑक्सीजन का ह्रास होता है और या तो हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ठीक है।
जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने नोट में भी आप लोगों के लिए बना के रखा है, परिभाषा भी दिया है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, सॉरी अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग अपचयन का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। देखिए जब हम लोग कॉपर को, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल पहले देखते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूं, एग्जाम्पल पहले लिख लेता हूं। हम लोगों ने कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाया था, ठीक है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाया था, ठीक है, कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बनाया था। ये क्या था, ये हमारा उपचयन रासायनिक अभिक्रिया था, ठीक है। अब ये कॉपर ऑक्साइड को हम फिर से कॉपर में बदल सकते हैं, ठीक है, फिर से कॉपर में हम बदल सकते हैं। अब हम लोग इस कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इस अब कॉपर का हम हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब हमें ये फिर से कॉपर मिल जाएगा और यहाँ पे हमारा वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब ये कॉपर ऑक्साइड फिर से कॉपर में बदल गया, ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड फिर से कॉपर में बदल गया। अब यहाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइडवा में ऑक्सीजन कॉपर को धोखा दे गया, क्या हो गया, ये कॉपर ऑक्साइडवा के ऑक्सीजनवा धोखा दे गई और एके अकेला छोड़ गई, कॉपर ऑक्साइड बेचारा अकेला रह गया, ऑक्सीजन इसे धोखा दे गया। तो बेचारा कॉपर ऑक्सीजन दोनों प्यार कर रहे थे और ये ऑक्सीजन बेचारा प्यार में उसे धोखा दे के कॉपर को अकेला कर दिया और इस कॉपर ऑक्साइड का उपचयन कर दिया, सॉरी अपचयन कर दिया, ठीक है, इस कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो गया और ये सिर्फ कॉपर में बदल गया। बेचारा कॉपर और ऑक्सीजन दोनों शादी किए थे, दोनों एक साथ थे, लेकिन ये बेचारा जब हाइड्रोजन को देखा तो ये हाइड्रोजन के साथ प्यार कर बैठा, इसको कॉपर को देखा धोखा करके कॉपर अकेला कर दिया। देखिए यहाँ पे उस ऑक्सीजन ने कॉपर को अकेला छोड़ गया, तो कॉपर में क्या था, कॉपर में पहले ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, ये ऑक्सीजन कॉपर को छोड़ के चला गया, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और ये कॉपर बेचारा अकेला पड़ गया, देवदास। तो ये जो अभिक्रिया हुई, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं अपचयन रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, ये अपचयन है। यहां पे हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ठीक है, यहां पे ऑक्सीजन घट रहा है। और देखिए और यहां पे फिर से इसमें उपचयन रासायनिक अभिक्रिया भी हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, पहले हाइड्रोजन अकेला था लेकिन ये ऑक्सीजन को ले गया अपने साथ कॉपर के साथ धोखा दिला के, ठीक है, कॉपर को अकेला कर दिए और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिल गया और यहाँ पे ये उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे ये उपचयन रासायनिक अभिक्रिया हो गया। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन उपचयन दोनों हो रहा है, इसके साथ अपचयन हुआ, कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हुआ और हाइड्रोजन का जल में उपचयन हुआ। तो देखिए यहाँ पे किसी को धोखा मिल रहा है, किसी को प्यार मिल जा रहा है, ठीक है, सीरियस नहीं ले रहा, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड कॉपर में बदल जा रहा है, इसको ऑक्सीजन छोड़ के चला जा रहा है और यह हाइड्रोजन कॉपर को पटा के अपने पास रख ले रहा है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास हुआ, ऑक्सीजन उसे छोड़ के चला गया, ऑक्सीजन इसमें से घट गया तो कॉपर बच गया, तो वो अपचयन अभिक्रिया है। फिर जो हाइड्रोजन है इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने उपचयन अभिक्रिया पढ़ा, अपचयन अभिक्रिया पढ़ा और इनको समझा भी कि उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। लेकिन अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों एक साथ हो रहा है, उपचयन भी हो रहा है अपचयन भी हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं बबुआ, इसे क्या कहेंगे जिसमें दोनों हो रहा है, माथा खजवाओ, इसको कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, इसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। जैसे कि ये उपचयन एवं अपचयन है, इन दोनों को साथ हम लोग बोलते हैं तो हो जाता है उपापचयी, ठीक है, उपापचयी। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में
अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये जो रिएक्शन है दो नंबर हमारा, ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन मतलब कि रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा उपचयन क्या था, फिर से हम लोग एक टेबल के द्वारा इसे बनाते हैं, एग्जाम्पल भी लिखेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो हम लोग समझ गए, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो जो रिवाइज कर लिया एक मिटा दी आप स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम बनाते हैं उपचयन और अपचयन का एक टेबल। ठीक है, उपचयन और अपचयन का एक टेबल और याद रखते हैं। तो पहला नंबर पॉइंट क्या था, इसका पहला नंबर पॉइंट क्या था, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। ठीक है, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि। ठीक है, और वही अपचयन में बात करें तो ऑक्सीजन का क्या होता है, ह्रास होता है, ऑक्सीजन घटता है, ऑक्सीजन का ह्रास, ह्रास होता है, होता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट, यहां पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और यहाँ पे ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ठीक है, फिर ऑक्सीजन का ही लिख देते हैं, ह्रास वृद्धि होती है नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर पॉइंट हमारा है, ये याद कर लीजिए, उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास। फिर सेकेंड पॉइंट, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन का ह्रास, उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है और अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। देखिए, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि, अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि, उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास, अपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास, याद करना है। उपचयन अपचयन पहले बना लेना है अपने दिमाग में, उपचयन सेकंड रिएक्शन बनाना है अपचयन। ठीक है, तो डायरेक्ट पहले ऑक्सीजन की याद करेंगे, पहले नंबर में हमारा उपचयन में ऑक्सीजन वृद्धि होती है, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ठीक है, उसके बाद अब एक एक एग्जांपल दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, कॉपर को हम लोग जलाए थे, काला रंग का हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। आप लोगों को ये किताब में पूरी अच्छी तरह से लिखा हुआ है कि कॉपर को जब हम दहन करते हैं तो हमारा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है काले रंग का। ठीक है, और इसका एक एग्जांपल लिख ले, तो इसी कॉपर ऑक्साइड के फिर से हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर से रिडक्शन रिएक्शन मतलब कि अपचयन करके कॉपर बना देते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं, फिर से इसको हम कॉपर और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो फिर से हमें कॉपर मिल जाएगा और यहाँ पे जल मिल जाएगा। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे जल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा उपचयन का भी उदाहरण, इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड पहले से था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजनवा इसको धोखा दे गया और सिर्फ कॉपर बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका अपचयन हुआ। ठीक है, ये जो है अपचयन है, अपचयन, इसमें उपचयन भी हो रहा है लेकिन उपचयन ये देख लीजिएगा आप लोग, मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये उपचयन अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक और इसका उदाहरण मैं बताऊँ, Mg हम भी हमारा मैग्नीशियम का जब दहन करते हैं तभी भी हमारा MgO फॉर्म होता है। ठीक है, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखेंगे तो ये 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ठीक है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पे देखिए, बैलेंस करने के लिए कॉपर ऑक्साइड एक एक है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा बैलेंस्ड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा उपचयन अपचयन का हम लोगों ने टेबल बना लिया, ऑक्सीजन की वृद्धि उपचयन में, अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास, उपचयन में हाइड्रोजन का ह्रास, अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि, फिर उपचयन में हमारा ऑक्सीजन जुड़ता है एक उदाहरण दिखा दिया, अपचयन में ऑक्सीजन हमारा घटता है ये उदाहरण दिखा दिया। ठीक है,
हाइड्रोजन का भी याद रखना है, हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन में, अपचयन में हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। ये एग्जांपल मैंने नहीं दिखाया लेकिन पॉइंट याद कर लेना है, ठीक है। तो यहां पे उपचयन और अपचयन पूरा अच्छी तरह से मैंने क्लियर आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट दे दिया है। इसके बाद अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में दोनों एक साथ हो तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि उदाहरण ये है, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ये याद रख लेना है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो यहां पे उपचयन अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया जो है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का भी आपको परिभाषा याद रखना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ, किसी अभिक्रिया में पदार्थों का उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया रेडॉक्स रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, यहां पे उपचयन अपचयन जो किताब में हम लोगों को दिया गया है उसे अच्छी तरह से समझ लिए। एक छोटा सा मैं बढ़कर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, थोड़ा और आगे हम लोग जान लेते हैं काम करेगा, ठीक है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, मैं देख लूं रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, अभी इसे मिटा देता हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कैसा है, कैसा लड़का है, डस्टर यूज नहीं करता है। मेरे घर में डस्टर टिकता ही नहीं है, मैं यहाँ रखूँगा तो कोई वहाँ रख देगा, ठीक है, फैमिली लंबा चौड़ा है, इधर उधर हो जाता है जब मैं घर पर नहीं रहता, तो इसलिए मुझे ये सब यूज़ करना पड़ता है। देखो अब हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पे कॉपर जो हमारा है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया का उदाहरण है, उपचयन अभिक्रिया, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। अब हम लोग जानते हैं कि कॉपर का हमारा संयोजकता क्या होता है, कॉपर का संयोजकता प्लस टू होता है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा माइनस टू, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस टू, ये प्लस कहने का मतलब कि ये अपना दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देके ये कॉपर प्लस प्रोड्यूस करता है टू प्लस, और ये ऑक्सीजन टू माइनस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और ये कॉपर टू प्लस जो है और ये ऑक्सीजन टू माइनस है, ये दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव, हाँ दोनों अपोजिट आयन होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं और जुड़कर कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉपर का उपचयन हुआ कॉपर ऑक्साइड में, कॉपर को लेते हैं ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं, कॉपर का उपचयन हुआ कॉपर ऑक्साइड में। तो कॉपर का उपचयन होने का मतलब क्या, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन को दे दिया प्लस आयन प्रोड्यूस कर दिया तो उपचयन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो वे पदार्थ, वे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं उन उसको उपचयन कहते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। तो जो पदार्थ अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है वो हमारा उपचयन हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे मैंने और एक उदाहरण आप लोगों को किताबों वाला ही बताया था S2, इसमें हमारा कॉपर प्रोड्यूस हो रहा था प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, तो यहाँ पे ये दोनों जुड़ा हुआ था, ठीक है, ये प्लस टू और ये माइनस टू दोनों जुड़ा हुआ था अपोजिट आयन होने की वजह से, लेकिन ये फिर से अलग हो जा रहे हैं, ठीक है, ये अलग हो जा रहा है, ये कॉपर अपना फिर से इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर फिर से सिर्फ कॉपर बन जा रहा है, ठीक है। इन दोनों में झगड़ा हो गया, तू बोला अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ऑक्सीजन बोला अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, कॉपर बोला हाँ मेरा दे दे और तू जा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन से लेके कॉपर बन गया और ये अपना खाली जगह खाली दिल लेके हाइड्रोजन के पास चला गया और इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके फिर से एक अपना अपना अलग परिवार बना लिया, ठीक है। पहले ये दोनों परिवार थे, दोनों अच्छे कुशल कुशल मंगल खुशी से चल रहे थे, लेकिन इन दोनों में विवाद हो गया, इन दोनों ने जो अपना इलेक्ट्रॉन दे लेके शेयरिंग करके एक परिवार बनाया था, दोनों में झगड़ा हुआ, ऑक्सीजन बाबू बोला कि तू अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ले ले जा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, कॉपर बोला हाँ दे दे तू जा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये उसका इलेक्ट्रॉन दे दिया और
तो कॉपर अपना अकेला हो गया और ऑक्सीजन फिर से हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके उसके साथ एक अपना नया परिवार बना लिया। ठीक है, तो यहां पे कॉपर हमारा अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन कोई ले लेता है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। क्या हुआ है? अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है मतलब कि क्या, कॉपर ऑक्साइड अपना इलेक्ट्रॉन फिर से ले लिया है। तो वे एलिमेंट्स जो अपना इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारा अपचयन हो जाते हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन देते हैं वो उपचयन, जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन्स में देखिए, इससे भी समझने की कोशिश कीजिए, तो जो एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन, जो एलिमेंट्स हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, जो एलिमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो हमारा उपचयन हो रहा है उस एलिमेंट का, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ले रहा है उस एलिमेंट का अपचयन हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारा कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और जब कोई एलिमेंट जब एलिमेंट हमारा अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, अपना ही नहीं, जैसे कि यहां पे कॉपर ने इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो यहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, उपचयन हुआ, और यहां पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इसका अपचयन हुआ। तो वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उसको उपचयन बोलते हैं, और वे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अपचयन हो जाते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, वह एलिमेंट्स, वह पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका उपचयन होता है। ठीक है, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देता है उसका उपचयन होता है, और वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह अपचयन होता है। ठीक है, तो ऐसे भी उपचयन अपचयन में आप लोग अंतर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं उपचयन अपचयन एवं रेडॉक्स अभिक्रिया जो है इसका सारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिल गया होगा, और आप मेरे वीडियो से जरूर मदद पाए ही होंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करें, और अपने इस प्यारे से चैनल मेडिजी फिजिक्स को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।